मेरी साहित्य रचना मूल रूप से देश की उस पीढ़ी के लिए रही है जिनके कंधों पर देश का, समाज का और हमारा अपना जीवन भविष्य में निर्भर रहेगा। उस भावी पीढ़ी की यानी बच्चों के प्रति माता पिता, शिक्षकों, लेखकों, राजनेताओं सभी को चिंता करनी है, क्योंकि हम जैसा उन्हें बनाते संवारते हैं वैसा ही हमारा घर, परिवार, समाज और देश बनता है। भारतीय समाज में सदियों से सामंतवाद का बोलबाला रहा है और उसके फलस्वरूप परिवारों में पितृसत्तात्मक समाज की अभिशाप आज भी विद्यमान है। अनेक परिवारों में पिता के सामंती विचारों का वर्चस्व इतना अधिक रहा है कि बच्चे अपनी छोटी से छोटी इच्छा को पिता से कहने में हिचकते रहे हैं। एक लंबे अरसे तक
बाल साहित्य इसी विचारधारा से प्रभावित रहा और बच्चों के लिए ऐसा ही साहित्य लिखा गया जो उन्हें कठपुतली की तरह नाचने को विवश कर दे। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाल साहित्य की अवधारणा के निर्माण में मैंने सदा यह आवश्यक समझा कि अपने समय के बच्चों की नब्ज को पहचानो। उनके साथ हम जितना घुल मिल जाते हैं, उनकी खुशियों, समस्याओं, परेशानियों को जितना अधिक अनुभव करते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं बाल साहित्य लेखन के लिए, हम अपने मानस के फलक को उतना ही व्यापक बनाते हैं। यही कारण था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति और ज्ञान के मुक्त विकास की छठारा में मैं बच्चों को परंपरावादी विचारों से हटाकर उनके आगे भागने की कल्पना करने लगा था। और इसी विचार ने मुझे बच्चों के नए लेखन के प्रति न केवल प्रतिबद्ध बनाया बल्कि एक पूरा आंदोलन शुरू करने के लिए विवश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि साहित्यकार के वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होने का अर्थ मूल्यों को छोड़ देना है। हमने आधुनिकता बोध वाले बाल साहित्य का समर्थन करते हुए यह कभी नहीं कहा कि बच्चे अपने समाज के शाश्वत मूल्यों को छोड़ दें। यह भी नहीं कहा कि कल्पनाशील न बने, किंतु यह जरूर कहा कि परिवार में बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनकी बात सुनी जाए और वे जैसा बनना चाहें वैसा बनने में उनको समर्थन मिले। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वैचारिक प्रतिबद्धता को विशेष रूप से बाल साहित्य में निभाना आसान नहीं रहा, खासतौर पर तब जब आप सदियों से चली आ रही किसी सामाजिक विचारधारा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हों। निस्संदेह सामंती धारा की कहानियों और परियों की निर्मूल कल्पना वाली कथाओं की समर्थक लॉबी ने बाल साहित्य में इस परिवर्तन की पैरवी करने के लिए मुझे शत्रु मानकर शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक तीनों तरह से चोट पहुंचाने में कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन चूंकि मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता को डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आनंद प्रकाश जैन, निरंकार देव सेवक, विष्णु प्रभाकर जैसे वरिष्ठ संपादकों, लेखकों और समीक्षकों का समर्थन मिला और बाल साहित्य के सभी प्रमुख मौलिक रचनाकारों का सहयोग मिला तो बच्चों के प्रति मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता सार्थक हुई। मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा मानना है कि बच्चों के प्रति आज वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होना जरूरी है। वह केवल बाल साहित्यकार के लिए ही नहीं बल्कि हर शिक्षक, बुद्धिजीवी, राजनेता सभी के लिए जरूरी है। आज सूचना प्रौद्योगिकी जिस गति से भाग रही है उसके बहाव में बच्चे जिस तरह डगमगा रहे हैं फिर भी आकर्षित हो रहे हैं, यह एक अलार्म है जो हमें सावधान कर रहा है कि हम बच्चों के लिए प्रतिबद्ध बने और भविष्य के समाज को उस स्वरूप की चिंता करें जो हम उन्हें देने वाले हैं। इस अलार्म को यदि हमने आज नहीं सुना तो कल इतनी देर हो जाएगी कि बड़े होकर बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। बच्चों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करना हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। वात्सल्य इसी चिंता को लेकर संपूर्ण भारतीय बाल साहित्य के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी यह पहल भारतीय बाल साहित्य गगन के प्राची में उग रहे नए बाल सूर्य की भांति है, जिससे हम ऐसे उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं जो हमारे देश की भावी पीढ़ियों के निर्माण का आधार बनेगा। वात्सल्य भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य का ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें शोधार्थियों के लिए विपुल सामग्री होगी। मैंने इसी आशा से वात्सल्य डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को अपनी 150 पुस्तकें भेंट की हैं। और अंत में मैं इस पावन अवसर पर पुण्य स्मरण करना चाहता हूँ अपने स्वर्गीय पिता इकबाल बहादुर देवसरे को, जिनकी प्रेरणा से ही मैंने बाल साहित्य रचना की और अग्रसर हुआ। मैं अपनी सफलता में जीवन संगिनी विवाह देवसरे को बराबर का भागीदार मानता हूँ। साथ ही जीवन में प्रेरणा का आधार बने मेरे पुत्रों शशांक और सचिन, बेटी क्षिप्रा के साथ जामाता डॉक्टर धर्मेश भारती, पुत्रवधियों मनीषा और रेणुका के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने यहाँ आकर मुझे मान दिया, मैं आपका हृदय से अभिवादन करता हूँ।